तुम्हारी बच्ची तुम्हारे आसपास ही है, तुमसे अधिक दूरी पर नहीं है तुम्हारी बेटी पुत्री। ये भी संभव है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने हो और तुम उसे पहचान ना सको। वो आदमी एक बच्ची को लिए जा रहा है, जरा आप आके देखेंगी कि आप पहचानती है उसे। कहाँ है बच्ची? अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था, कहाँ चले गया? मैंने कहा था उसे यहीं रुकने के लिए, लगता है भाग गया। अभी तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो बच्ची उसकी नहीं थी। अपनी कंपनी का टेम्पो बिजलपुर कौन लेके गया? उसका ड्राइवर तो सुंदर सिंह है भाई जी, सरोली गया है। सरोली? कितने दिन में वापस आएगा? 3 दिन की बता के गया था। कोई बात नहीं, मैं अठाई रहूंगी। कहाँ से लाए इस बच्ची को? मैंने तो ये आश्रम के सीढ़ी पर लावारिस पड़ी मिली। तो पुलिस स्टेशन ही ला सकता था। ला बच्ची को दे दे। ये बच्ची आपको कहाँ मिले? एक भिखारी से छुड़वा कर लाई हूँ, आप तो जानती ही हैं। यहाँ वहाँ से बच्चे उठाकर उनसे भीख मंगवाते हैं यहाँ के लोग। तुम अपने बच्चे से मिलना चाहती हो ना सलोनी, तो चलो मेरे साथ। नार, ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुम आओ तो सही। अनाथ आश्रम? नार, हमारे बेटे अनाथ आश्रम में कैसे? तुम आओ तो सलोनी। नार, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप हम अनाथ आश्रम क्यों आए? तुम्हारा मन हमारी बेटी के लिए बहुत तड़प रहा है और हम तमाम कोशिशों के बावजूद उसे ढूंढ नहीं पाए। सलोनी, अगर ममता लुटानी तो इन बच्चों पर लुटा जो किसी अपने के प्यार के लिए तड़प रहे, जिन्हें ममता की जरूरत है। जिस तरह हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे, उसी तरह इन बच्चों को भी अपने माँ बाप की तलाश है। इन बच्चों में भी तो हमें अपनी बेटी मिल सकती है सलोनी, जरूरत है बस एक बार उस नजर से देखने की। मगर नहर, हमारी बच्ची सलोनी, इनमें से भी तो कोई हमारी बच्ची हो सकती है। तुम्हारा एक ममता भरा स्पर्श किसी को भी अपना बना सकता है। अब बहुत अच्छी आंटी। आप तो नार सिंह जी हो ना? ये जी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है सलोनी। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? वो हम एक बच्चा गोद लेना चाहते। ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए इस कमरे में, मैं सभी बच्चों को यहीं बुला लेती हूँ। एक मिनट, हमें बिटिया गोद लेनी है, 3-4 महीने की बच्ची। जैसा आप चाहें, उस उम्र के भी कुछ बच्चे हैं हमारे आश्रम में, आइए। अरे, इस बीमार बच्चे को बाकी बच्चों के साथ किसने रख दिया? सब बीमार पड़ जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का भी कोई ध्यान नहीं रखता। देखिए, ये कुछ बच्चे हैं, आप देख लीजिए। Thank you.
ये बच्चे इतना रो क्यों रही है? जब से आई है तब से बहुत बीमार है। मैं शायद इसे पहचानती हूँ। ये आप कैसे कह सकती हैं? कल ही तो एक सोशल वर्कर और पुलिस वाले ने इसे एक भिखारी से उठवाया है। आइए, वहाँ और भी बच्चे हैं, उनसे भी मिल लीजिए। प्यारी बच्ची है ना नाहर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस बच्ची के साथ मेरा कोई रिश्ता है। गोद में लेते ही बहुत अपनी सी लग रही है। सलोनी, मैं बहुत अजीब सी खुशी महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्ची का जन्म तुम्हारी गोद में आने के लिए ही हुआ है। तो क्यों ना हम इसे गोद ले ले, इस बच्ची को? जी हाँ, क्यों? आप इतने हैरान क्यों रही हैं? बात ऐसी है नाहर जी, यहाँ पर जो भी बच्चे को गोद लेने के इरादे से आते हैं उनका ध्यान अक्सर सुंदर और हेल्दी बच्चे की ओर ही जाता है, पर आप दोनों ने तो बिना रंग रूप देखे एक ऐसी बच्ची के ऊपर अपना हाथ रखा है जो पहले से ही बीमार है। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, और रही बात इसकी बीमारी की, तो हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। दुनिया में अगर हर इंसान आप जैसी सोच रखने लगे तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। आपने बच्ची को गोद लेने का तय कर ही लिया है तो चलिए ऑफिस में चलकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। बस आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लीगल पेपर्स पर साइन होने के बाद ही ये बच्ची कानूनन आपकी होगी। थैंक यू। रुकिए सलोनी जी, सलोनी जी, कोर्ट की सारी कार्रवाई को पूरा होने में एक दिन तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही आप बच्ची को अपने साथ ले जा सकती हैं। देखिए, कोर्ट और बाकी फॉर्मेलिटीज के बारे में हम समझते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हूँ? ठीक है सलोनी जी, आपका घर परिवार जाना हुआ है मेरा, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि बच्चे और आपके बीच इतना खूबसूरत रिश्ता बन गया है, उसके बाद एक माँ को उसकी बच्ची से दूर रखना गलत होगा। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि लीगल पेपर्स पर साइन होने के बाद ही ये बच्ची कानूनन आपकी होगी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए नाहर, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, घर वालों से जल्द मैं इसे मिलवाना चाहती हूँ। चलो, थैंक यू। बाबूजी, आपने कहा था कि वो टेम्पो 3 दिन बाद आ जाएगा, आज वो आ जाएगा ना? ठीक है, टेम्पो तो आ जाएगा, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि 3 दिन तक तुम्हारी बच्ची उसी टेम्पो में सवार कर रही होगी? पता नहीं टेम्पो कहाँ कहाँ रुकेगा, तुम्हारी बच्ची टेम्पो में होगी या नहीं? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहो, मैंने मालूम है तुम्हारी बच्ची ठीक ही होगी, उसको ढूंढने बाबूजी मैं धरती के दूसरे कोने तक जाऊंगी तुम्हारे सामने को ढूंढने। सही कहा, माँ की हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं। रूम लो, लो आ गया तुम्हारा टाइम। सामने
कर रही है? क्या ढूंढ रही है हमारी गाड़ी में? देखो भाई जी, थारे ट्रक में ना बिजलपुर में दूसरे ट्रक वाले भाई साहब ने हमारी छोरी ट्रक में छोड़ दी। वो थारी छोरी? वो नहीं थी कोई छोरी हमारी गाड़ी में। अरे चल भाग यहाँ से। मैं जानती हूँ इसी ट्रक में थी हमारी बच्ची। बोल कट है हमारी छोरी। तू ऐसा नहीं मानेगा, तू ऐसा नहीं मानेगा। बता नहीं तो माथा फोड़ दूंगी। बोल कट है हमारी छोरी। बोल। अरे क्यों एक माँ की खाए लेता है? बता। बताता हूँ वो बच्ची मैं आश्रम में छोड़। चाय। अरे बेटी चाय को भूल जाओ, पहले नहर और सलोनी का पता लगाओ, वो कहाँ है? बहुत देर लगा दी उन्होंने। नहीं, काफी देर से गए हुए हैं, कहाँ रह गए ये दोनों? अरे भाई तारा, जरा नहर को फोन लगाओ। नाहर ने मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दिया। कहाँ से मिली भाभी साहब? किसके पास थी? पिया, हम दोनों में जितनी तड़प थी इससे मिलने की, उतनी ये भी बेकरार थी हमारे लिए एक अनाथालय में। जानता हूं आप सब हैरान होंगे, लेकिन बहुत अंधेरा छा गया था हमारी जिंदगी में। ये रोशनी लेके आएगी। नहर, ये बहुत बड़ा फैसला है। जानते हैं हम भाभी साहब, लेकिन हम इसमें और हमारी औलाद में कोई फर्क नहीं करेंगे। तुम दोनों के इस फैसले पर मुझे सिर्फ खुशी नहीं बल्कि बहुत गर्व है तुम दोनों पर। सही कहा तुमने तारा, लेकिन खुशी और गर्व का एहसास सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको हो रहा है। दीजिए ना भाभी साहब। रुक जाओ, ऐसे कैसे अंदर आने देंगे इसे? इस घर की रीत है कि शुभ आरती के साथ ही नए मेहमान का स्वागत किया जाता है। तारा बेटी, जरा आरती की थाल तो ला। जी बापू। गलत बात है भाई साहब, आपको मुझे भी साथ लेके जाना चाहिए था। सलोनी, अब तुम माता जी महाराज को स्मरण करके घर के अंदर प्रवेश करो। अरे सलोनी बेटे, इस बच्ची को गोद लेकर तुमने हम सबके लिए एक नई मिसाल कायम की है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं काका साहब, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार के बीच के शून्य को भरने की कोशिश की है। जानती हो पिया, जब हम इसके पास पहुंचे ना तो मैं बहुत जोर से रो रही थी, लेकिन जैसे ही सलोनी ने इसे गोद में लिया ना, रोना धोना सब बंद, जैसे जैसे इसे इसकी मां मिल गई हो। ईश्वर इस बच्ची की मुस्कान सदा बनाए रखे। अब वैसे सलाइली जी,
बहुत चुन के लाए हैं आप अपनी बच्ची को। अब देखिए ना, इसका रंग जो है एकदम आपसे मैचिंग है, बिल्कुल आप ही की बच्ची लगती है। तो ये तो अच्छी बात है ना कंवर साहब कि इसे सलोनी की रंगत मिली है। जैसे रंगत मिली है वैसे ही सलोनी का स्वभाव और गुण भी पालेगी है। सुनिए, आप लोगों ने, किसी ने हमारी बच्ची को आश्रम की सीढ़ी पे देखा है क्या? नहीं भाई साहब, हमने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। क्या हुआ तुम्हें? भाई साहब, मुझे मेरी बच्ची दिला दीजिए। भाई साहब मुझे मेरी बच्ची दिला दीजिए। चलो अब हम इस गुड़िया को सुलाते हैं। सलोनी, तुम इस बच्ची के साथ देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। इस बच्चे को नहीं, हमारे बच्चे को देखकर बोली। क्या नाम रखे इसका? आप भूल रही हैं शायद, इस पर हमारे सारे ऑफिशियल हक कल कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होंगे। वो तो सिर्फ कोर्ट वर्ड की फॉर्मेलिटी है, कागजों पर जो रिश्ता कल जुड़ने वाला है दिलों में तो पहले नजर में ही जुड़ गया। आपको नहीं रखना है तो मत रखिए, मैं रखती हूँ। अरे नहीं, एक मिनट, मैं बताता हूँ। संध्या जी, शिवानी, काजल जी, दीपिका, बहुत बुरे नाम है। एक मिनट, आपकी एक इच्छा तो पूरी हो गई, आप बेटी चाहते थे, आपको मिल गई। अब पापा जी आप एक कोने में बैठे रहिए और मम्मी जी को इसका नाम रखने दीजिए। मुबारक हो, बच्ची अब कानूनन आपकी हो गई।